क्योंकि ज़्यादा पानी रहता है तो बह भी जा सकते हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पता नहीं इतना साउंड ट्रेन जाने का है, यहाँ पानी आ रहा है इसका साउंड है। हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम पीछे देख सकते हैं ये दोनों भी हैं। तो हम लोग जा रहे हैं साइकिलिंग करने, आज सुबह सुबह निकले हैं साइकिलिंग करने के लिए। और मेरे पास तो साइकिल था नहीं, तो उधार लिया हूँ साइकिल। और ये इसी का ही साइकिल है, ये दोनों निकले हैं। ये रहा देवर तो, और ये उसका रूममेट करण। और हम जा रहे हैं बुरला साइफोन ब्रिज घूमने के लिए। मजा आएगा, चलो चलते रहो, हम थोड़ा चलाते हैं। ये तो ये सुपर बाइक जैसा साइकिल है ना, थोड़ा सुपर साइकिल है, थोड़ा झुकके चलाना पड़ रहा है, थोड़ा हाथ कलाई दर्द कर रहा है या कलाई पर प्रेशर पड़ रहा है थोड़ा। चलो चलते हैं फिर। तो अभी हम गोरेपाली तक पहुंच गए हैं और ये रिलायंस का पेट्रोल पंप। मैं तो खाली हाथ ही चला रहा हूँ, अपना हाथ पॉकेट में रखा हुआ, पूरा भी हाथ छोड़ के चला रहा हूँ। अच्छा लग रहा है और स्लो में इतना स्टेबल है कि इतना हिल भी नहीं रहा था इसका हैंडल, तो काम चल जा रहा है। नहीं तो झुक के चलाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ऑटोमेटिक साइकिल है, ऑटोमेटिक नहीं ब्रो, मोशन से चल रहा है, पैर से पावर लगाना पड़ रहा है। नहीं, हैंडल नहीं पकड़ना पड़ता। हाँ, बैलेंस करना पड़ता है ना। देखो ट्रक वगैरह आया, पकड़ लेते हैं। और ये रहा हमारा सुंदरगढ़ का बस, सड़की बस। और ये हमारा स्क्वायर में तो पहुंच गया इसका, बोरेपल्ली का स्क्वायर में। और यहाँ से मेन रोड में पूरा जाना पड़ेगा। मेन रोड पे चलते हैं, साइड में जाएंगे। चलो भाई साइड में जाएंगे बोला, ठीक है। सुबह ट्रक वगैरह रोड खाली रहता तो पूरा स्पीड में चले जाते हैं, तो हम साइकिल में है तो ट्रक और साइकिल का मुकाबला नहीं हो सकता, तो हम साइड में ही जाएंगे। चलो चलते हैं फिर। और आगे फिर रेमेड चौक में फिर एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद रेलवे लाइन क्रॉस करके लक्ष्मी डूंगरी हिल, उसके बाद ब्रिज क्रॉस करके साइफोन ब्रिज। ये दोनों निकल गए आगे, लक्ष्मी डूंगरी के बाद एक ब्रिज आता है, वही महानदी के ऊपर है, वो ब्रिज के पार साइफोन। मैं भी साइफोन पहली बार ही जा रहा हूँ, पता नहीं, देखते हैं मतलब कैसा है। बारिश के टाइम में ज़्यादा पानी होता है। अरे ज़्यादा कुछ मैं तो कुछ गया नहीं हूँ तो क्या ही बोल रहा हूँ। चलो उधर पहुँच के बात करते हैं कैसा है क्या है। अभी पानी है फिलहाल कि नहीं, जो विंटर का महीना है, विंटर का सीज़न चल रहा है, मतलब हाँ ठंडी का महीना तो होना तो चाहिए पानी। चलो चलते हैं फिर, ब्लॉग में बने रहिए, देखिए क्या क्या होता है। हम चले पहाड़ों में गुनगुनाती राहों में, ओ, 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 ओ क्या करें। ये हमारे शुभम भाई पूरा स्पीड में चलाते हुए, उनके पीछे हम लग पड़े हैं, अभी उनको नहीं छोड़ेंगे। देखिए कैसे सांप जैसे कट मार रहे हैं शुभम भाई। और ये शुभम भाई को हम पास करते हुए तो हम अभी रेमेड चौक पहुंच गए, तो उस साइड जो रास्ता है वो जाता है हीराकुद गांधी मीनार की तरफ, और ये रास्ता जाता है साइफोन बुरला विसुट
उसके बाद क्या क्या बोलते हैं हमारा कौन सा प्लैनेटोरियम है, प्लैनेटोरियम तो नहीं, हाँ साइंस पार्क, और उधर राइट डाइक, बुरला, जीरो पॉइंट, उसके बाद गांधी मीनार, सब इधर ही जाते हैं। तो चलो चलते हैं हम भी इधर। तभी एक रेलवे लाइन आएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा लक्ष्मी डूंगरी हिल, जहाँ की बारिश के टाइम में लैंडस्लाइड भी होता है, तो वन साइड बंद हो जाता है, मतलब ये बोथ साइड है तो दो लेन उधर का बंद हो जाता है, ये एक ही लेन में आना जाना चलता है, तो ट्रैफिक भी अच्छा खासा हो जाता है उस टाइम में। पता नहीं इसका सोल्यूशन कब निकलेगा। जो तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं ये लक्ष्मी डूंगरी के साइड में, और यहाँ से आगे ब्रिज है, ब्रिज क्रॉस करने के बाद उधर पहुंच जाएंगे। भाई आधे लोग बोलते हैं ना साइकिल से जा रहा है, क्या दिक्कत है, चले जाए साइकिल में। भाई जो लोग लंबे टूर करते हैं, मतलब कोई केदारनाथ चले जाते हैं, कोई लद्दाख चले जाते हैं, कोई पूरा इंडिया टूर करते हैं साइकिल से, भाई जो चला रहा है, जो जाता है, उसको ही पता है कि साइकिल में जाना कितना आसान और कितना कठिन है। तो ये रास्ता भी संबलपुर के अंदर जाता है, संबले मंदिर। पहले तो सोच रहे इस रास्ते से आएंगे, फिर सुबह सुबह निकल रहे हैं, अंधेरा होगा तो इस पता नहीं इस साइड का रास्ता कैसा होगा, इसीलिए हम मेन रोड से ही चले आए। और देखो यही वो पहाड़ है लक्ष्मी डूंगरी, जहाँ से बारिश के महीने में यहाँ से लैंडस्लाइड होता है। इस जगह में थोड़ा आगे होता है, जहाँ पर टर्निंग है पूरा, और ये बगल से ट्रेन लाइन गया है। देखो यहाँ पर साइड में बैरिकेड का काम चल रहा है, एक्सीडेंट वगैरह ना हो, गाड़ी वाड़ी उधर ना चला जाए बोल के। और हमारा डेस्टिनेशन थोड़ा सा दिखने लगा है, वो रहा साइफन ब्रिज, हम लोग वो रहा ब्रिज जहाँ हम लोग जा रहे हैं अभी। पानी थोड़ा सा निकल रहा दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा पानी के टाइम में भी नहीं जाना चाहिए, क्यों मैं उधर जाके बताऊँगा आपको। ये रहा लक्ष्मी डूंगरी पहाड़, देखो। और ये दोनों तो पीछे रह गए, आ रहे हैं। चलो मैं आगे वो सामने ब्रिज के पास रुक जाता हूँ इनके लिए। देखो भाई यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ है, देखो ऐसे गिर जाते हैं नीचे पत्थर सब। आगे भी लिखा हुआ है गो स्लो बोल के, हम तो फिलहाल साइकिल में कितना ही स्पीड जाएंगे। तो ये हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में, और रहा हमारा डेस्टिनेशन, और ये रहा रेलवे ब्रिज, और ये गाड़ियों के लिए रेलगाड़ी, ये नॉर्मल गाड़ी। तो उधर है बुरला, हीराकुद डैम उधर है, तो उधर से पानी आता है, इसके नीचे से होके जाता है उधर उस साइड, और जो ज्यादा पानी है उस साइड भी जाता है ब्रिज के उस साइड से उधर। तो देखो गाइस सनराइज भी हो गया है, बड़े दिनों बाद सनराइज देखने को मिला है। हर दिन देखना चाहिए, लेकिन हम तो उठते ही लेट हैं तो कहाँ दिखेंगे, सूर्य देवता तो पहले ही निकल जाते हैं, वो थोड़ा नहीं रुकेंगे हमारे लिए। चलो चलते हैं, अभी तो फिलहाल गेट ओपन ही है, शायद कि ट्रेन आएगा जो पता नहीं, ट्रेन आएगा तो गेट क्लोज ही होगा। हम तो पहुँच गए, ये दोनों पीछे कितने दूर पहुँचे, मुझे ये दोनों पहुंच गए हैं यहीं से। अरे भाई फाटक बंद है, मतलब कि ट्रेन आने वाला है, रुक जाते हैं फिर। ओ ये दोनों भी पहुंच गए, अभी उधर पहुंच गए ये दोनों भी, ट्रेन चला जाए उसके बाद जाएंगे। तो यहाँ सेंटर कर लिए, अगर इधर का पानी ना उधर से ही आता है, वो जो पीसी उस आगे जो ब्रिज दिख रहा है उसको बोला जाता है पीसी ब्रिज, तो यहाँ जितना पानी है उसके लिए वो आगे बना गया डैम, उसको बोला जाता है साइफन डैम। व्यू तो मस्त है भाई, रोड भी मस्त है, दलदल है भाई। अभी तो फिलहाल पानी कम है, विंटर का महीना है, लेकिन जब
अभी मतलब बारिश का मौसम होता तो इतना पानी कि देख के ही डर लग जाता है। मेरे को तो ज्यादा पानी से देखने से ही डर लगता है। पानी देखने से मतलब उसका जो कल साउंड जो होता है उससे मेरे को कैसा नहीं डर लगने लगता है थोड़ा। चलो चलते हैं, मैं तो पहली बार आया हूँ, जो पहले आया है तो पीछे ही है। अच्छा है रोड घूमने आने के लिए, लेकिन जो लोग आ रहे हो ना, जो लोग आते हैं कि आओगे कि आ रहे हो, वो लोग थोड़ा अभी तो फिलहाल चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन जब ज़्यादा पानी के टाइम आओगे तो अपने रिस्क भी आना ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी रहता है तो बह भी जा सकते हो अगर रूल ना माने तो। बोला कि क्यों अपने रिस्क पर आना, क्योंकि इधर लिखा हुआ है साइफून थोड़ा कुछ जीवा विपद पर, मतलब नीचे जाना डेंजरियस है। वो भी चलो आगे चल के बताता हूँ क्यों डेंजरियस है, फिर भी लोग जाते हैं, हम भी जाएंगे, लेकिन ऐसा स्पेसिफिक लिखा गया है एक सीज़न के लिए विंट, मतलब अभी तो छोड़ो पानी कम है उतना आता नहीं है, लेकिन जब बारिश का सीज़न होता है तो ये पूरा भर जाता है, तो बहुत ज़्यादा ही पानी आता है। ज़्यादा पानी आता है ये नहीं प्रॉब्लम नहीं है नीचे जाने का, नहीं जाने का और कोई प्रॉब्लम है पता नहीं, ये रास्ता है कि आगे का रास्ता है नीचे उतरने का। अभी साइकिल से उतर गए हैं और ये नीचे इस रास्ते से ही जाएंगे। इधर से ये बोल तो रहा है कि इधर से ही नीचे जाने का रास्ता है, लेकिन किधर से मैं तो पहली बार। हाँ यही तो रखेंगे और कहाँ रखेंगे, यही एक तो जगह है। चलो उसके यहाँ साइकिल रख के चलते हैं फिर नीचे। जय सूर्य देवता। भाई देखो ट्रेन भी आ गया उधर, पता नहीं इतना साउंड ट्रेन जाने का है, यहाँ पानी आ रहा है इसका साउंड है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है, नीचे जाके ही पता चलेगा फिर। तो भाई तीनों साइकिल लगा दे और तीनों का ताला एक साथ लगा दे रहे हैं, कोई ले भी नहीं पाएगा। और हाँ भाई पता चल गया कि ट्रेन का साउंड ज़्यादा था, पानी का साउंड कम तो कम ही है। मेरे को ये चीज़ अब पता चला कि इसमें ऐसा दिया है, मैं आते समय आते टाइम सीट नीचे कर सकता था, ज़्यादा थोड़ा ऊपर हो गया। चलो चलो चलते हैं फिर, हमारा नहीं है, जिसका है वो उसके हिसाब से एडजस्ट किया है वो दे दे। तो भाई हम नीचे पहुंच गए, तो मैं हाँ ये बताना चाह रहा था कि जो लोग आ रहे हैं अपने रिस्क पर आना, क्योंकि उधर भी लिखा हुआ है नीचे जाना अलाउड नहीं है, फिर भी इतना तक तो सब आते हैं तो हम भी आ गए। क्यों अलाउड नहीं है बोलो, क्योंकि ना बारिश के टाइम में ऊपर उस साइड जो पानी ज़्यादा रहता है, मतलब बुरला के वहाँ हीराकुद डैम में क्या होता है ना, पूरा पहले अनाउंस किया जाता है कि इस दिन डैम का पानी खोला जाएगा, गेट खोला जाएगा, नीचे कोई मत जाना बोल के फिशिंग के लिए, लेकिन इधर ऐसा नहीं है, इधर ना सायरन बजता है, ना अनाउंसमेंट होता है, ना ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है कि कहाँ कब किस दिन खोला जाएगा। तो अगर आपको पता नहीं है आप नीचे आ गए और ऊपर से गेट खोल दिए तो बह जाओगे सीधा ये नदी के साथ। तो ये प्रॉब्लम है कि जो लोग भी आते हैं वैसे ऊपर से देख के चले जाते हैं, बारिश के टाइम में ज़्यादा पानी होता है तब तो, अब जो लोग आते हैं इतना तो आ सकते हैं, और बहुत से लोग हैं कि आके नहाते हैं। भाई ठंडी के मौसम में कौन भी नहाएगा। हाँ भाई तू यही कर ले पहले, अरे कोई सो के नहीं उठे होंगे पता है तेरे को, हुआ कोई नहीं उठा होगा, कौन है ग्रुप में कॉल किया है ना। अच्छा ठीक है उधर से पानी आता है बुरला के साइड से, उधर भी आता है, उधर थोड़ा रह जाता है तो इधर आता है, ओ ज़्यादा पानी उधर से इधर छोड़ते हैं और उधर का पानी डायरेक्ट उधर जाता है कटक भुवनेश्वर उधर सब जाके डायरेक्ट जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है फिर से। चलो फोटो वोटो उठाते हैं थोड़ा, क्या ही करेंगे।
अरे बाप रे गिर जाता अभी मैं। हाँ पहुँचने का टाइम नहीं होता ना, हम धीरे धीरे आए तो 45 मिनट लग गया पहुँचने में, नहीं तो वही बाइक से वही कितना 20 मिनट ही लगता है बाइक स्कूटी से आने में। दोनों को तो चुल मची है उधर उस इस जगह पर जाने के लिए। जाओ भाई मैं तो नहीं जाऊंगा बोल दिया, मेरे को मन नहीं है जाने का। उधर चढ़ के जाएंगे फोटो उठाएंगे, फोटो का चुल मची है इन दोनों को। ठीक है जाओ। ए अच्छे से जाना भाई, अच्छे से जा, गिरेगा नहीं तो। ऊपर देख के मत चल, नीचे देख के चल। देखो ट्रेन जा रहा है, चुक 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 चुक। अरे भाई हमको ये क्या दिख गया, ये हॉट है आई थिंक कुड़िया है तो वही। अभी दिखा मेरे को, वीडियो में दिखा अभी। काहे भोग रहा है बे, देखो साला गोरिल्ला बन रहा है, बोल के चिल्ला रहा है। भोग ले जितना भोगना है उधर, इधर आके मत भोगना फिर। देखो हाथ हिला रहे, अबे रेस्पॉन्स तो कर। फाइनली मैं भी चलता हूँ उधर, ये दोनों तो फोटो उठा रहे हैं, मेरे को भी मन लग रहा है फोटो उठाने का, मैं भी चलता हूँ। तो गिरू ना जाऊं खाली, अबे ये तो भाई हाथ का खेल है। लो हम भी आ गए, सब राजी खुशी। शुभम भाई मैं भी आ गया। भाई देखो पास से दिखा रहा हूँ, यहाँ से पानी जा रहा है, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पर जहाँ पानी गिर रहा है वहां फूट रहा है, पूरा भाप निकल रहा है। सोचो कितना ठंडा होगा पानी, ये तो कुछ ज्यादा ही करीब आ गया। मैं बोल रहा था ना भाई इधर क्यों नहीं आ रहा था, मेरे को पानी को ये जो आवाज निकलता है ना पानी का, इसी से ही डर है मेरे को, बहुत डर लगता है भाई। दोनों इधर हैं इसीलिए मैं आया हूँ, नहीं तो अकेले होता तो बिल्कुल नहीं आता। और देखो भाई लक्ष्मी डूंगरी कैसे दिखता है इधर से, नज़ारा तो सही है। चलो हम कुछ खाने वाने के लिए लाना ही भूल गए, चाय या मैगी वगैरह कुछ लाए होते बनाए होते इधर, पानी तो है धो लेते। अब जाके याद आ रहा कि कुछ खाने के लिए लाए होते तो अच्छा होता, खैर क्या ही कर सकते हैं, बाद में अभी रास्ते में कुछ खा लेंगे। इन दोनों का फोटो सोटो तो खत्म ही नहीं हो रहा है अभी, अबे मेरा भी कुछ थोड़ा क्लिक कर देना। और रोमियो भाई देख इसको जानता है क्या, इस लड़के को पहचान कौन है जो, ये तेरे को तो जानता है लेकिन तू जानता है कि नहीं देख ले। तो बोल रहा था कि पास नहीं आऊंगा लेकिन ये लोग आ गए तो मैं भी आ गया। और देखो भाई इससे ज्यादा पास तो नहीं जा सकते हम, और अगर पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इधर पूरा पानी के छींटे आ रहे हैं, पूरा पानी के छींटे मुंह पे लग रहे हैं पूरा। भाई सोचो यहाँ पूरा सब गेट खोल देते होंगे ऊपर का तो कैसा होता होगा, सोचने से भी डर लग रहा है ब्रो। देखो भाई सब लोग पिकनिक जा रहे हैं और हम घूमने आ गए। अबे चाबी किधर गया, लॉक खोलते हैं, टाइम तो हो गया निकलने का, रास्ते में थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेंगे। खुल भाई,
वो कहाँ गया? ये दारू पार्टी चल रहा था किसी का इधर, ये गिरा है। और दो राउंड, और एक दो राउंड दे दे। वैसे सिंक्रोनाइज हुए में दे दे, ऊपर नीचे कर दे रहा है। ना इसका मडगार्ड है कुछ है, ये नीचे भी वैसे क्लिप लॉक सिस्टम दिया गया है इसमें। पूरा हल्का साइकिल है। चलो चलो निकलते हैं, बहुत हल्का है भाई। एक हाथ से उठ जा रहे हैं देखो। एक ही गेट खुला है जो वहाँ से निकल रहा है पानी, वो वाला गेट, उसका लॉक चाबी वहाँ पे है। और इस साइड पानी, उस साइड से बुरला के साइड से उधर से पानी आता है, वो वहाँ पीसी ब्रिज के नीचे से। वहाँ से आगे इधर रुके, बुरला का चौक है उधर से, बुरला के ले जाते हैं। तीन सारे भी उधर ही है, तो अभी यहाँ दही बड़ा के जगह रुके, थोड़ा खाएंगे, थोड़ा पेट भी थोड़ा कर लेते हैं। ये कौन सा गाड़ी है भाई? वो ऑटो जो जा रहे हैं, इतना फूल वूल दे के सजाए हुए हैं। ओ जगन्नाथ मंदिर का जो रथ चल रहा है, अर्पण रथ। हम दुर्गापल्ली होके समलेश्वरी टेम्पल की ओर आ गए, इधर से ही जाएंगे। जाते टाइम का भी यही डिसीजन था, लेकिन थोड़ा घूम के जाएंगे बोले तो उधर से चले गए। इधर समले मंदिर की तरफ आ गए, इस रास्ते से जाएंगे। समले मंदिर अभी पहुंच गए, और अनएक्सपेक्टेड मीट होगा आज अभी दीदी के साथ। दीदी अभी जो भीसूट में पढ़ते हैं, वो दीदी अभी आई है मंदिर, अंदर है। मैं नहा है, पता नहीं दोनों रुकेंगे कि चले जाएंगे। अगर चले जाएंगे चले जाएंगे, फिर हम ले जाएंगे। आज जल्दी मंदिर भीड़ नहीं है, नहीं तो फेस्टिवल के टाइम किसी स्पेशल ओकेजन में इतना भीड़ रहता है, इतना भीड़ रहता है कि मतलब घुसना ही नामुमकिन हो जाता है। नहीं दीदी, दीदी के साथ आए थे मंदिर, हम तो नहाए नहीं यार, अंदर नहीं बाहर ही अंदर घुसे थे खाली। अभी चली जाएंगे दीदी, और उनका क्लास है, हम भी चलते हैं, पर पढ़ाई करेंगे थोड़ा। गाइस अभी मैं फिलहाल मंदिर के उधर से आने के बाद कॉलेज आ गया, तो कॉलेज में इधर ये लोग रख लिए मेरे को, प्रैक्टिस परेड का प्रैक्टिस करवा लिए, और अभी ख़त्म हुआ, डिस्कशन चल रहा है अभी फिर। और इधर देखो हमारे सीएस वाले क्या कर रहे हैं। खेलो खेलो खेलो, कंटिन्यू करो, मेरे लिए रुके। इधर फ्री हेल्थ चेकअप चल रहा है एनएसएस की तरफ से, ये भी आई थी, देखो खेल रही है ये। हम तो सोच रहे थे कि हम भी अपना हेल्थ चेकअप कर लेंगे, लेकिन भाई भीड़ देखो, खाली लड़कियों का, पहले लड़कियों का होगा उसके बाद लड़कों, लड़की सब घुसते जा रहे हैं। लड़कों को तो कोई पूछ भी नहीं रहा है, लड़कों का बारी कब आएगा पता नहीं। चार बज जाएंगे, हम तो चले हैं भाई, चले जाएंगे अभी, क्या ही करेंगे इधर बैठ के। वेट करते करते टाइम हो जाएगा, अभी एक बज गया है, खाना भी खाना है, चलेंगे, चलते हैं ब्रो, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। हम लोग का तो ऑर्डर आ गया, और इसका ऑर्डर नहीं आया अभी तक। भाई